बोल रहे हैं, सीधे राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर, प्रधान, जिला प्रमुख, एक्स प्रधान या जो भी पदों के ऊपर कभी पंचायती राज में रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए इन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं उसको बुलाया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस बैठक में हमारे प्रभारी राजस्थान रंधावा साहब भी पधारे थे। मैंने इनसे कल आग्रह किया कि आप आए हुए हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक है तो आप पधारे हैं, तो इन्होंने शहर से स्वीकृति प्रदान की। हमारे कई लोगों के सुझाव आए, कई लोगों की मांगे भी आई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पंचायत राज कैसे मजबूत हो। हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के महान नेता राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट नया ला करके पंचायती राज को मजबूती देने का काम किया। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि पंचायत राज की स्थापना पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान से नागौर से की गई थी। तो तमाम लोगों की जो बात थी वो सब लोग सरकार की योजनाओं से बहुत खुश थे, महंगाई राहत के अंकों से खुश थे। उनकी छोटी छोटी बातें थी कि साहब जो पंचायत समिति के जो कमेटियां होती हैं, जिला परिषद की जो कमेटियां होती हैं, उनकी प्रॉपर समय पे मीटिंगें नहीं होती हैं, एक प्रधान को जो गाड़ी मिलती है उसमें भी जब महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं तो 2 महीने चलेंगे तो हमें तो 15 दिन का ही अधिकार मिलता है, तो हमारे सामने दिक्कत आ रही है। कुछ भत्तों की भी बात थी, कुछ सर्किट हाउस में ठहरने की भी बात थी, कुछ जो SFC TFC FFC का पैसा मिलता है उसमें भी उन्होंने, उनका ये कहना था कि जल जीवन जल मिशन में जब चल रहा है तो पानी के लिए ही केवल फाइनेंस कमीशन उसमें परमिशन देता है, तो वो दूसरे कामों में भी हमको अनुमत हो जाए, इस तरीके की बात भी थी। तो सारी बातें हुई, चूंकि मैं खुद पंचायती राज से निकला हुआ हूँ, मैं प्रधान रहा, उसके बाद में MLA बना और यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे भी काफ़ी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी जानकारी थी, तो हमने सबको उनके साथ में शेयर किया है कि किस प्रकार से जो जो सरकार से हम लोग मांग करवा सकते हैं वो हम लोग सरकार को लिखेंगे कि ये इनकी जायज मांगे हैं जिनको आप सरकार से इसको पूरा कराया जाए। और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। तो आप प्रदेश हम आपके लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यक्रम में, जहां पर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं संबोधन के दौरान, सुन लेते हैं। Gracias.
जिन कांग्रेस कर्मचारियों